नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति और राहु देव का चांडाल दोष मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। राहु गुरु चांडाल दोष का मेष राशि वाले जातकों के ऊपर क्या साइड इफेक्ट आएगा, उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति और राहुदेव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचरीय फलादेश शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको गोचर के ट्रांजिट की डेट बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि राहुदेव जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि छोड़कर मेष राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर मेष पे आएंगे, यहाँ पर पहले से विराजमान राहुदेव इनके ऊपर चांडाल दोष बना देंगे, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। ये गुरु चांडाल दोष इसे हम कहते हैं। गुरु चांडाल दोष जो है वो 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु चांडाल दोष यानी कि राहु गुरु जो है साथ रहने वाला है, इनकी युति रहने वाली और गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित रहने वाले हैं। लगभग ये 6 महीने 8 दिन या यूँ समझ लीजिए कि 192 दिन का समय रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और राहु देव की जो दृष्टियाँ होती है, यहाँ पर मैं उनकी दृष्टियों की बात भी आपको बता दूँ, दोनों की सेम दृष्टियाँ होती है, समान दृष्टियाँ या जिस घर में स्थित होते हैं वहाँ से दूसरे घरों पर डालते हैं। दोनों की ही 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ होती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों आपके लिए राहु जो है, वैसे एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, राहु को ज्योतिष शास्त्र में किसी भी भाव का ओनरशिप नहीं दिया हुआ है, किसी भी राशि का स्वामित्व उसे नहीं दिया हुआ है। ये जिस राशि में बैठता है उसके अनुसार उसके फल प्राप्त करवा देता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी मेष राशि के लिए कहना चाहूँगा 9वें और 12वें घर के स्वामी होते हैं, भाग्यस्थान और व्यय स्थान के स्वामी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे पहले घर में। अगर आपने गुरुदेव बृहस्पति के गोचर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर ये वीडियो मिल जाएगी जो मैंने पहले आपके लिए बना रखी है कि गुरु का गोचर मेष राशि में मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इस युति संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे कि 192 दिन का ये जो समय है ये मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज लेकर आने वाला है। गुरु जो है वो आपकी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वहां पर पहले से राहु विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर ग्रहण लगाने का काम राहु देव यहां पर करने वाले हैं। राहु गुरु का जो ये पीड़ित और चांडाल दोष जो है ये मेष राशि वालों आपके जीवन में आपकी राशि में ही होने वाला है, तो यहाँ से ये 3 ग्रहों को प्रभावित करेंगे। दोनों ही ग्रह 5वें 7वें और 9वें घर को यहाँ पर ये आपके प्रभावित करने वाले हैं। लग्न में विराजमान होकर राहु और गुरु आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बना देंगे, आपकी बुद्धि को कुछ हद तक ब्रह्म में डालने का काम यहाँ पर ये दोनों ग्रह करने वाले हैं। हर काम में आप जल्दबाजी दिखाएंगे जिससे आपके कुछ कार्यों में बहुत ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी ही राशि में ये दोनों गोचर हो रहे हैं, मस्तिष्क में गोचर हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो निर्णय क्षमता है वो राहु और गुरु पीड़ित होकर आपकी प्रभावित करने वाले हैं। आप एक खुद को जो है एक सम्राट या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बलशाली आदमी खुद को समझने लगेंगे। आप जो है अपने मित्रों को भी सही तरीके से तवज्जो नहीं देंगे, अपने मित्रों को भी आप अच्छा नहीं मानेंगे, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने वाली है। ऐसे में आपका किसी न किसी के साथ झगड़ा होगा और आपको अपनी रियलिटी जो भी है वो समय पर पता चल जाएगी क्योंकि राहु अचानक से फल देते हैं और गुरु सही ट्रैक पर लाते हैं। ये चीज़ आप देखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर अहम नहीं आने दें, ये आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है।
सावधानी रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ रुकावटें देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचम स्थान पर राहु और गुरु की जो है वो पंचम दृष्टि जाने वाली है। जो पंचम स्थान विद्या का भी होता है, तो विद्या में कुछ रुकावटें, आपके हायर एजुकेशन में कोई ऑब्स्टिकल्स, आपके एजुकेशन में कोई ऑब्स्टिकल्स जा हो सकता है, पढ़ाई रुकावट आ जाए, ये चीजें देने का काम ये स्थितियां करेगी। सेकंड, यहां से हम आपकी लव लाइफ देखते, तो लव लाइफ में अचानक से आपको आपके पार्टनर के साथ लड़ी झगड़े महसूस होंगे, प्यार जो है वो कम होता और लड़ी झगड़े या जेलियस की भावना, क्रोध वगैरह ये बढ़ती हुई आपको नजर आने वाली है। वहीं अगर देखा जाए जिन लोगों को संतान प्राप्ति के लिए जो विलंब हो रहे थे, या जिन तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि संतान प्राप्ति में भी आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी राहु गुरु का कुछ ऐसा योग बनता है जो इस गोचरी अवस्था में बन रहा है, दृष्टि संबंध वगैरह है, या गुरु पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये जो समस्या है आपको कम होती नजर आएगी, और ये गोचरी ट्रांजिस्ट आपको नुकसान कम फायदा ज्यादा देता रहेगा। और जिन लोगों को पहले से संतान की प्राप्तियां हो चुकी है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आपके संतान आपके लिए जो है वो आपको परेशानियां दे सकती है, कुछ ऐसा वो करेगी जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मानसिक वेदनाएं, चिंताएं भोगनी पड़ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वही सप्तम स्थान की अगर बात करी जाए, तो सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और राहु की आपकी पूरी दृष्टि सप्तम दृष्टि है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव या अनावश्यक क्रोध होना, या अनावश्यक आप दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन आ जाना, इस तरीके की चीजें देवगुरु बृहस्पति और ये राहु मिलकर देने वाले हैं। साथ ही आकस्मिक आपको कोई ना कोई दुर्घटना या आकस्मिक आपको कोई ना कोई परेशानियां देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु यहाँ पर देने वाले हैं। व्यापार के लिए कहना चाहूंगा, व्यापार में भी कोई ना कोई छोटा मोटा ऑब्स्टिकल्स जो है ये दोनों ग्रह मिलकर आपको देंगे। व्यापार में आपको उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेगा, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, डेली इनकम सोर्स में आपको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें भी आपको छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेगी, उसमें भी आपका और आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो आपको थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आने वाला है। भाग्य स्थान पर इनकी नवम दृष्टि, अचानक से कोई ना कोई भाग्य की वृद्धि करने का काम ये ग्रह गोचरी स्थितियां करने वाली है। अचानक से हो सकता है आपकी विदेश यात्राएं करवा दे, अचानक से हो सकता है आपको धार्मिक यात्राएं करा दे, तीर्थ की यात्राएं करवा दे, अचानक से हो सकता है आपके पिता के साथ मिलकर आप कोई बड़ा काम करें जिसमें आपको बहुत जबरदस्त सफलताएं मिल सकती है। ये चीजें भाग्य स्थान से देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि जो है भाग्य पर पड़ रही है, और भाग्य राहु और गुरु ही चमकाने का काम करते हैं, अचानक से इंसान का भाग्य राहु चमका देते हैं, तो ये चीज यहां पर मेष राशि वालों के लिए राहुदेव और गुरुदेव कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे जैसे गुरु की जो है डिग्री वाइज कैपेबिलिटी गोचरी अवस्थाएं में इंक्रीज होती रहेगी, और राहु देव की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, उस स्थिति में जब राहु जो है अस्त अवस्था में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है वो यूँ समझ लीजिए कि एक उदय अवस्था को छोड़कर कुमार या युवा अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको जो है राहु के प्रभाव कम प्राप्त होने शुरू होंगे और गुरु के प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेंगे, जिससे आपके काम जो है वो अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ये समय मैं आपको बता देता हूँ कि किस समय में आपको सबसे ज़्यादा छोटी मोटी परेशानियाँ या जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। मई से लेकर अगस्त तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिप्लोमेटिक, बहुत ज्यादा परेशानियों भरा रह सकता है, ध्यान रखें। और सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, खुद को आप बलशाली या सम्राट या बहुत ज्यादा एटीट्यूड पर्सन न समझे, जो है रियलिटी उसको एक्सेप्ट करें, और दूसरे लोगों को भी इंसान ही समझे। ऐसा नहीं है कि आप खुद को ये समझे कि आप ही इंसान है बाकी सारे जानवर, ये चीजें आप नहीं करें, क्योंकि ये गोचरी स्थितियां है, ये गोचर आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आपकी कुंडली में राहु गुरु का अच्छा प्लेसमेंट हो चुका है, कुंडली में अगर राहु गुरु अच्छी स्थिति में है, तो ये गोचरी स्थितियां आपके जीवन को तारणहार बनाने वाली है, आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली है वो दूर हो जाएगी, आपको कोई भी परेशानियां जो पिछले तरीके से प्राप्त हो रही थी वो इस गोचरी स्थिति में दूर हो जाएगी, और आपको अच्छी सफलता यहां पर ये गोचरी स्थितियां देने वाली है।
ओवरऑल गोचरी स्थितियों की अगर बात करी जाए तो गोचर जो है वो थोड़ा आपको परेशानी देने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव जब तक पीड़ित रहेंगे तब तक आपको भाग्य से भी परेशानियां प्राप्त होगी। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि अगस्त महीने के बाद ये परेशानियां कम होती आपको दिखेगी और आपको अच्छे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गुरु चांडाल दोष में ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। उपाय के तौर पर मैं उपाय बता देता हूँ मेष राशि वालों, शनिवार के दिन काले तिलों का आपको दान करना है। और गुरु और चांडाल दोष के लिए मैं एक सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय ये बता देता हूँ, मंदिर में आपको जो है मूली का दान करना है और माथे पर आपको केसर का तिलक लगा रखना है। अगर कुंडली अलाउड करती है तो पुखराजा आप पहने, नहीं तो आप केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाए। देवगुरु बृहस्पति आपकी सर्व इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।